हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2016 टीयर 1 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, जो कि 8 फेब 2017 शिफ्ट 3 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 आने वाला है और उसमें जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो से आपको इसका पैटर्न पता लगेगा कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और साथ में कई बार एसएससी में एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि आप अच्छे से अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सके। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडी गाइड ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तब जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल से लैपटॉप्स में तुरंत मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए रिवीजन पर्पस के लिए, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ मेल कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2016 8 फेब शिफ्ट 3 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी एग्जाइटी ड्रग। तो देखिए, इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि एंटी एग्जाइटी ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है। पहले आपको बता दें कि एंटी एग्जाइटी जो ड्रग है वो इमीडिएट रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। इसका जो पर्पस है वो है इमीडिएट रिलीफ देना। और ये कई ड्रग्स हैं जिनके नाम आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसमें से डाई एजेपैम जो है वो यूज किया जाता है एज एन एंटी एग्जाइटी ड्रग। तो आपको याद रखना है, द ड्रग विच इज यूज एज एन एंटी एग्जाइटी ड्रग इज कॉल्ड एज डाई एजेपैम। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसलिए हमने इसको कवर किया है। तो प्लीज ध्यान से पढ़िए, तो इस ड्रग का नाम है डाई एजेपैम। नेक्स्ट हम आते हैं, फाइकस बेंगलेंसिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। देखिए, फाइकस बेंगलेंसिस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है ये आपको बताना है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई जो एसएससी सीएचएसएल 2016 के जो पेपर्स हैं उसमें आप देखेंगे कि कई चीज़ों के साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कोई रिपीट हो जाए। तो फाइकस बेंगलेंसिस जो है उसको हम कॉमनली बैनियन या फिर बैनियन फिग या फिर इंडियन बैनियन बोलते हैं। ये एक ट्री है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है, और फाइकस जो है वो एक लैटिन नेम है फिग्स का, और इसका जो बेंगलेंसिस है ये नेम है आफ्टर द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन बंगाल। तो देखिए, फाइकस बेंगलेंसिस जो है वो एक साइंटिफिक नेम है बेनियन ट्री का। ये बेनियन ट्री जो है वो बहुत ही लार्ज एवरग्रीन ट्री है, तो इनकी जो ब्रांचेस है वो काफी दूर दूर तक स्प्रेड होती है। तो आपको याद रखना है, फाइकस बेंगलेंसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेनियन ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है बेनियन। नेक्स्ट पे हम आते हैं, एक्विस बर्चली इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। अगेन, ये साइंटिफिक नेम का क्वेश्चन है। तो देखिए, एक्विस बर्चली जो है वो साइंटिफिक नेम है जेब्रा का। तो आपको याद रखना है कि इसको जेब्रा का ये साइंटिफिक नेम है। इसको हम कॉमन जेब्रा भी बोलते हैं या फिर बर्चल्स जेब्रा भी बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन और ज्योग्राफिकली वाइड स्प्रेड स्पीशीज हैं जेब्रा के। तो एक्विस बर्चली इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ जेब्रा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन डेट ऑफ कॉमन। तो देखिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, बट आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। आप इसमें से देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है जिंक का वो मोर है कॉपर से, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज होता है। तो जो जिंक है वो मोर मेटालिक है कॉपर से, क्योंकि जिंक के पास लेस एटम्स होते हैं और कॉपर के पास मोर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपको याद रखना है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज होगा। तो देखिए, एटॉमिक नंबर जो है वो किस एलिमेंट का ज़्यादा है कॉपर से, तो इसका करेक्ट आंसर है जिंक। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है जिंक। नेक्स्ट हम आते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड बाय डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज किए जाते थे। जो फर्स्ट जनरेशन है इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स के वो यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स विच जनरेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वर बल्की एंड वर अनरिलायबल। तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट जो है रिलीज करती थी ये वैक्यूम ट्यूब्स, और ये अनरिलायबल थे। जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं 1950s और 1960s के, उनके जो फीचर हैं वो बोर्ड फील्ड और इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स हैं मैग्नेटिक कोर मेमोरी के साथ, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। तो आपको याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट पे हम आते हैं, घुमुरा इज अ फोक डांस ऑफ। तो देखिए घुमुरा जो है वो कौन से स्टेट का, हमारे इंडिया के कौन से स्टेट का फोक डांस है। तो आपको बता दें कि जो घुमुरा है वो ओरिजिनेट हुआ था साउथ ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा में, और तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये डांस है और उड़ीसा स्टेट का ये डांस है, जो कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट है सदर्न पार्ट जो स्टेट उड़ीसा है उसकी, वहाँ पर ये डांस जो है वो ज़्यादा किया जाता है। तो आपको याद रखना है घुमुरा जो है वो फोक डांस है उड़ीसा का, तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। देखिए जो भी फोक डांस है और क्लासिकल डांस है उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। लाइक कथक कौन से स्टेट का डांस है, तो आपको याद रखना है कि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का डांस है। इस तरीके के कई डांसेज है लाइक कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, तो ये डांसेस आपको सारे याद रखने हैं ये कौन से स्टेट के हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप इनसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, हमने इंडियन क्लासिकल डांसेस पे वीडियो भी बनाई है, उसमें जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं हमने उसको कवर किए हैं, तो आप वो वीडियो देख कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए घुमुरा जो है वो फोक डांस है उड़ीसा का। नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू द फोटोवोल्टिक सेल। आपको क्वेश्चन पहली बात इसमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए आप फोटोवोल्टिक सेल के बारे में आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए पहला है इट इज़ अ अनदर नेम है ऑफ सोलर सेल, तो देखिए ये दूसरा नाम है सोलर सेल का, ये करेक्ट है, क्योंकि जो सोलर सेल है उनको हम फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं और उनका प्रीवियस जो नेम था वो था सोलर बैटरी। सेकंड आता है इट कैन बी यूज एज इंफ्रारेड डिटेक्टर्स, ये भी सही है, ये इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के तौर पे भी यूज किए जा सकते हैं। थर्ड आता है इट कैन स्टोर लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी सही है कि ये लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और लास्ट जो पॉइंट है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि जो सोलर सेल या फिर फोटोवोल्टिक सेल है वो डिवाइस है जो कि एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बाय फोटोवोल्टिक इफेक्ट विच इज़ अ फिजिकल एंड केमिकल फिनोमिना। तो आपको याद रखना है कि ये जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी पे कन्वर्ट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी पे। तो इसका जो डी है वो करेक्ट आंसर है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, जो पॉइंट है गलत है। आपको याद रखना है फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यहाँ पर आपसे क्योंकि फॉल्स का पूछा गया है तो इस तरह से फोर्थ जो पॉइंट है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम आते हैं, मिथेन एंड एयर पॉल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए मिथेन एक एयर पॉल्यूटेंट है, तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो देखिए ये प्रोड्यूस होता है बाय डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स। तो देखिए मिथेन जो है वो प्रोड्यूस होता है जब फॉसिबल्स जो है वो जब भी फॉसिबल्स जहाँ पर भी फॉसिबल्स होता है वहाँ से आप मिथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये रिलीज तब होता है जब फॉसिल फ्यूल्स को अर्थ में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये मिथेन जो है वो एक एयर पॉल्यूटेंट है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर। नेक्स्ट में आते हैं, इन अ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्र इज अ डैश स्पोक्ड व्हील। तो देखिए जो हमारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है, जो हमारा तिरंगा है, उसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितने स्पोक्ड व्हील हैं, कितने चरखे हैं वहाँ पर, उसमें आपको ये बताना है। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो देखिए जो नेशनल फ्लैग है वो एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्राई कलर फ्लैग है हमारे इंडिया का, जिसमें सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन कलर यूज़ किया गया है, और इसमें एक अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक व्हील है, ये नेवी ब्लू का है जो कि सेंटर में प्लेस है। तो देखिए आपको याद रखना है कि इसमें 24 स्पोक व्हील है। देखिए एक और पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा इंडिया इंडिया का फ्लैग है वो अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के, कि जो हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग है वो कौन से दिन अडॉप्ट किया गया था। तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, और अशोक चक्र जो है उसका जो व्हील है उसमें वो है 24। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ साथ में कई बार लेंथ ऑफ ब्रेथ का भी रेशियो पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फ्लैग के बारे में, हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में, वो आपको याद रखने हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है 24। नेक्स्ट में आते हैं, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑकरन। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो लॉन्गेस्ट डे है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो कौन से दिन होता है, और ऐसी शॉर्टेस्ट डे पूछ लिया जाता है और लॉन्गेस्ट डे पूछ लिया जाता है सदर्न हेमिस्फीयर का, शॉर्टेस्ट डे पूछ लिया जाता है सदर्न हेमिस्फीयर का। तो आपको सभी याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। देखिए जो लॉन्गेस्ट डे है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो ऑकर होता है 21 जून को। तो डिपेंड करता है कैलेंडर के शिफ्ट पे, जो समर सोलिटाइस है वो हो सकता है जून 20 से जून 22 के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और दिसंबर 20 से 23 के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपको याद रखने हैं।
और जब भी विंटर सोलिटाइज आता है तो आप इन डेट्स को अपोजिट कर दीजिए। तो देखिए ये समर सोलिटाइज में अगर आपको पूछा जाए तो अगर 21 जून जो आपको डेट दे रखी है वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नदर हेमिस्फीयर ऑकर्स ऑन 21 जून, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं और इनके बारे में जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इनका जो राइन था वो था 321 से लेकर 298 BC और ये फाउंडर है मौर्य एम्पायर के एशियन इंडिया में। और चंद्रगुप्त जो है उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखिए जो हिस्ट्री है उसमें लिखा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो उन्होंने अपनी लाइफ में जैनिज्म को फॉलो किया था और उन्होंने अपनी सारी जितनी भी वेल्थ ऑफ पावर है उसको छोड़ के जैनिज्म को अपना लिया था। ऐसे अगर आपसे अशोका का पूछा जाए कि अशोका जो है वो कौन से धर्म के जो हैं फॉलोअर बने तो वो बुद्धिज़्म के बने। जब कलिंगा वॉर हुआ था उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड अशोका वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट में आते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 वॉज फॉट बिटवीन द लोधी एम्पायर एंड। देखिए जितने भी बैटल्स हैं जो अपने एंशियंट हिस्ट्री के हैं वो आपको याद रखने हैं क्योंकि इन बैटल से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में, ईयर भी आपको याद रखना है, पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, ये किन दो जो किंग्स थे उनके बीच में फॉट हुआ था। तो देखिए लोधी एम्पायर के जो किंग थे और जो बाबुर थे उनके बीच में ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है 1526 का ये फॉट हुआ था। तो लोधी एम्पायर के जो इब्राहिम लोधी हैं और जो बाबुर हैं उनके बीच में बैटल हुआ था 21 अप्रैल 1526 को और इसमें जो बाबुर हैं उन्होंने इन्वेड किया था लोधी एम्पायर में और उसके बाद ये जो उसमें जो बाबुर हैं उन्होंने जीत हासिल करी थी और इब्राहिम लोधी जो है वो हार गए थे इसमें। उसके बाद ही से जितनी भी आप बाबुर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे उस लोधी एम्पायर जो है उस टाइम पे खत्म हो गया था। तो जो पहला बैटल ऑफ पानीपत है जो 1526 में हुआ वो फॉट हुआ था बिटवीन द लोधी एम्पायर एंड बाबुर। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं हु इन्वेंटेड सीलिंग फैन। तो देखिए सीलिंग फैन का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो ये है फिलिप डीएल। तो फिलिप डीएल जो है उन्होंने इन्वेंट किया सीलिंग फैन को। देखिए जितने भी इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स है ये हम बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ ज़रूर कवर कीजिए क्योंकि स्टैटिक जीके में ये अधिकतर पूछा जाता है, लाइक प्रोटॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी या फिर डायनामाइट की किसने करी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने अपनी स्टैटिक जीके की वीडियो में कवर किया है, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इससे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। तो देखिए जो जिन्होंने सीलिंग फैन इन्वेंट किया वो है फिलिप डीएल। तो ये जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीलिंग फैन है वो इन्वेंट हुआ था 1882 में फिलिप डीएल के द्वारा और उन्होंने इसको इंजीनियर किया था और इलेक्ट्रिक मोटर यूज करी थी उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिकल पावर्ड जो सीलिंग फैन है उसमें। और आपको याद रखना है कि 1882 में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। तो ये सीलिंग फैन के जो आविष्कारक हैं वो हैं फिलिप डीएल। नेक्स्ट हम आते हैं रेट ऑफ वर्क डन। इस देखिए रेट ऑफ वर्क डन जो है वो होती है पावर। पावर जो है उसको हम जूल्स ऑफ वर्क पर सेकंड में मेजर करते हैं और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पावर की वो है वॉट। तो 1 वॉट जो है वो इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। तो आपको याद रखना है कि रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। देखिए जितनी भी क्वांटिटीज हैं जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं वो आपको जरूर कवर करनी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो आपको जितनी भी एसआई यूनिट है जो आपके सिलेबस में है उनको प्लीज जरूर कवर कीजिए और जल्दी से जल्दी हम आपको इस पे वीडियो भी बनाकर देंगे। तो अभी तक आप ये याद रखिए कि रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉड्यूलस। तो देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी है यंग्स मॉड्यूलस, उसकी क्या यूनिट है ये आपको बतानी है। तो देखिए यंग्स मॉड्यूलस की जो यूनिट है वो है पास्कल। पहले आपको बता दें कि यंग्स मॉड्यूलस है क्या। तो देखिए यंग्स मॉड्यूलस जो है वो रेशियो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। स्ट्रेस का मतलब होता है विच इज यूनिट्स ऑफ पावर और स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशनल क्वालिटी है क्वांटिटी है और जो यंग मॉड्यूलस है उसकी जो यूनिट है वो है पास्कल। तो आपको याद रखना है पास्कल जो है वो पी ए से रिप्रेजेंट होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर केजी मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। तो इस तरीके की इसकी यूनिट है। यंग्स मॉड्यूलस जो है उसके पास यूनिट है प्रेशर की। तो आपको याद रखना है कि जो यंग्स मॉड्यूलस है वो है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है और इसकी जो यूनिट है वो है पास्कल। तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पे हम आते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज अनाउंस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च करी गई थी, और इन्होंने लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, और 8 अप्रैल 2015 को ये जो योजना है वो लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो आपको याद रखने थे कि जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ रही हैं या फिर योजनाएं आ रही हैं उनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो प्लीज़ ज़रूर याद रखिए। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो अनाउंस करी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हम आते हैं, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ पंजाब इज, देखिए पंजाब जो है उसमें कितनी पार्लियामेंट्री सीट्स है लोकसभा में, ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल 13 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट किए गए थे इस 16th लोकसभा के पंजाब में से, और ये जो इलेक्शंस हुए थे ये हुए थे 2014 में, और उसके बाद जो 16th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो देखिए अभी जो प्रेजेंटली जो नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स है लोकसभा में पंजाब में वो हैं 13, तो ये आपको याद रखना है, देयर आर टोटल 13 पार्लियामेंट्री सीट्स इन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पंजाब, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, हु हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। तो देखिए अभी ओलंपिक्स हुए थे 2016 में ब्राज़ील में रियो डी जनारियो में, तो वहाँ पर किसने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स का खिताब जीता था ओलंपिक्स की हिस्ट्री में। तो देखिए ये यूएसए के माइकल फिलिप्स हैं, तो अगस्त 13 2016 को जो अमेरिकन स्विमर है माइकल फिलिप्स, उन्होंने जीता था मोस्ट ओलंपिक मेडल्स का खिताब विद 28 मेडल्स, इन्होंने 23 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो इनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स की खिताब है, रिकॉर्ड है इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, तो आपको याद रखना है। तो ये ओलंपिक्स जो हुए थे वो हुए थे 2016 में ब्राज़ील में, अब आपको ये भी याद रखना है 2020 में ओलंपिक्स कहाँ होंगे, 2024 में कहाँ होंगे, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनका नाम है माइकल फिलिप्स, ये यूएसए को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ जेंटली फॉल्स द बाकुला। तो देखिए ये बुक का क्वेश्चन है कि जो बुक है जेंटली फॉल्स द बाकुला ये किसने ऑथर करी है, किसने ये बुक लिखी है। तो देखिए ये है सुधा मूर्ति, तो जो जेंटली फॉल्स द बाकुला जो है एक रियलिस्टिक फिक्शनल बुक है जो कि सुधा मूर्ति जो कि एक प्रोफाउंड राइटर हैं और चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की, इन्होंने ये बुक ऑथर करी है। तो देखिए बुक्स और ऑथर में से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं, आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने लिखी है वो आपको याद रखनी है, और साथ में जो रीसेंट बुक है जो 2017 में लॉन्च हुई उनके आपको उनको जरूर याद रखनी है क्योंकि ये बुक्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए जो जेंटली फॉल्स द बाकुला के ऑथर है वो है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट हम आते हैं, विच फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फोर्ट। तो कौन सा फोर्ट है जिसको गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जैसलमेर का फोर्ट है जो कि राजस्थान में ये फोर्ट लोकेटेड है, तो ये इसका जो वॉल्स हैं वो येलो इंप्रेशन की हैं और इसी वजह से ये फोर्ट का नाम गोल्डन फोर्ट या फिर सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड की एक हेरिटेज साइट है और ये बिल्ट हुई थी 12th सेंचुरी में राजा जायसवाल द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जो फोर्ट जिसका नाम गोल्डन फोर्ट या फिर सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है वो फोर्ट है जैसलमेर फोर्ट और ये लोकेटेड है राजस्थान में। नेक्स्ट हम आता है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव बाय शबाना आजमी इज। तो देखिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि शबाना आजमी ने जीता वो है पद्मा भूषण, तो इनको ये पद्मा भूषण दिया गया था। ये एक्ट्रेस है शबाना आजमी और इनको आर्ट सिनेमा महाराष्ट्र में ये पद्मा भूषण दिया गया था, तो इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि जीता पद्मा भूषण, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो आप क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। देखिए हाइड्रोजन एटम जो है वो एक इज रफली अ थर्ड ऑफ द मास ऑफ ट्रीटियम, तो ये भी करेक्ट है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो थर्ड है मास ट्रीटियम के मास से। ड्यूट्रियम जो है उसको हम हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है D2O, ये भी सही है। ड्यूट्रियम जो है उसमें 1 प्रोटॉन है, ये भी सही है, इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है, प्रोटियम इज़ द रेयरेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये पॉइंट गलत है क्योंकि जो प्रोटॉन है वो एक कॉमन आइसोटोप है हाइड्रोजन का और ये इट मेक्स अप मोर देन 99.98% ऑफ ऑल द हाइड्रोजन इन द यूनिवर्स। तो ये बहुत ही कॉमन आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये आपको याद रखने हैं। इसको प्रोटियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि प्रोटियम में कितने प्रोटॉन हैं, तो इसमें एक ही प्रोटॉन है
है और इसलिए इसका नाम प्रोटियम है। इसका जो एटॉमिक मास है वो आप देख सकते हैं 1.0078254U। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो इतना है और इसको प्रोटियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4th, प्रोटियम इज द रेयरेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि जो प्रोटियम है वो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है हाइड्रोजन का। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन लेक इज रिनाउंड एज अ लगून लेक ऑफ इंडिया। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा लेक है इंडिया का जिसको लगून लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये है चिल्का लेक। चिल्का लेक एक ब्रैकिश वाटर लगून लेक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंडिया का ओनली ब्रैकिश वाटर लगून लेक है, तो उसका नाम भी है चिल्का लेक और ये है उड़ीसा की, उड़ीसा स्टेट में ये लोकेटेड है। इसका स्टेट भी पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है और ये जो है इसका जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि चिल्का लेक इज लोकेटेड इन उड़ीसा एंड इट इज नोन एज लगून लेक ऑफ इंडिया एंड आल्सो ब्रैकिश वाटर लगून लेक। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस लेक के बारे में याद रखनी है। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2016 टीयर 1 में पूछे गए हैं 8 फेब 2017 शिफ्ट 3 में। इसमें हमने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कवर किए हैं। इसमें दो क्वेश्चन मिसिंग है क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के रिलेटेड थे, इसलिए हमने इसको कवर नहीं करे हैं। हमने ओनली सिर्फ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 आने वाला है, उसके एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको क्वेश्चन समझाएं। तो अगर आपने स्टडी गाइड ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें क्योंकि उससे आप डायरेक्टली नोटिफाइड हो जाएंगे जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ मेल कर देंगे। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है आपके लिए, आपको कुछ भी कॉस्ट पे नहीं करना है। हमारा फेसबुक पेज है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी tutorialstudy@gmail.com, आप इस पर अपनी कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। ये वीडियो इस फुल है एसएससी सीजीएल सीपीओ बैंकिंग एनटीपीसी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सो थैंक यू एवरीवन।